जी आज हम देखेंगे फिलिप्स की ये ट्यूब, मिनी ट्यूब। और इसमें नॉर्मली प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। लगभग हम देख लेते हैं कि अगर हमारी ट्यूब बंद हो चुकी है तो हम इसको उतार के फेंक देते हैं, वह रिप्लेस करवा लेते हैं, वह कभी कभी गारंटी ख़त्म हो जाती है तो मुश्किल है, फेंकना ही पड़ता है। तो देखेंगे इसमें प्रॉब्लम आता क्या है और भाई से भी हम जानेंगे कि भाई हमें क्या बताएंगे और कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है या छोटा होता है। चलिए देखते हैं हम इसको खोल के। देखिए खोलना आसान है, एक स्क्रू ड्राइवर लेके आप छोटा सा अंदर डाल के आप खोल सकते हो। देखिए कितनी इजीली है, ये देखिए इसमें एलईडी स्ट्रिप निकली है। तो ये जी हाँ देखिए इसमें 40 एलईडी होती है और ये स्ट्रिप जो है एसी स्ट्रिप होती है, डीसी नहीं होती है, डीसी अलग होती है। चलिए दिखाइए भाई, आप कुछ बता रहे थे। हाँ मैं दरअसल चेक हमने लगा दिया इसको। हाँ यहाँ पर इसे चेक कर लिया, करंट नहीं आ रहा है इसमें। देखिए भाई ने चेक कर लिया, इसमें करंट नहीं आ रहा है। अब ये हम इसको उठाएंगे फिर दोबारा स्क्रू खोलेंगे। दो देखिए स्टार का स्क्रू होता है और स्टार छोटा स्क्रू ड्राइवर लगेगा। जिनको थोड़े बहुत काम की आदत है वो उतना काम कर सकते हैं। देखिए क्या निकला है इसमें सर्किट। देखिए इसका सर्किट का पूरा वायर ही टूटा हुआ है, इसका वायर ही टूटा हुआ है। देखिए आप देखेंगे कि ये पूरा सर्किट जो है एकदम सर्किट पूरा नया दिख रहा है। इसमें जो है वायर कंपनी ने लगाया भी था क्या? नहीं, टूट गया अंदर से। देखिए आप देख सकते हैं कि वायर से टूट गया, ये वायर टूट चुका है। जो ये रोटेट करते हैं, रोटेट कैसे करेंगे दिखाना जरा। हाँ देखिए ये बिल्कुल, देखिए इसी तरह से रोटेट जब करते हैं तो बाई चांस इसमें से वायर टूट जाता है, देख रहे हैं आप। और ये देखिए स्ट्रिप पूरी नई है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रिप्लेस में जब भी आई होगी किसी की, रिप्लेस में है। चलिए देखते हैं अभी इसको कितना इजी है टांके लगाने। चेक करना सीरीज से, देखिए इससे चेक करते हैं सीरीज। देखिए एकदम देखिए बढ़िया है और सही है, स्ट्रिप सही है और सर्किट भी सही है। सिर्फ प्रॉब्लम इसके टाके का है, जो टाका आपको दिखाया है ये अंदर से टूटा हुआ है। देखिए पूरी एकदम, चलिए अब देख लेते हैं कितना सिंपल है इसको सोल्डरिंग करना। थोड़ा ये अंदर का पीस होता है तो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन सिंपल भी उतना ही होता है। निकल गया ये, देखिए पूरा निकल गया आ चुका है। अब ये वायर लेंगे हम दूसरा उसमें से। पहले चेक कर लें लगाने के बाद, उससे पहले फिटिंग से पहले देखिए। ये देखिए ये लूज हो रहा है ना, इसलिए परफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पहले आपको एक सर्किट दिखा देते हैं जरा, एक मिनट। इसमें कितना छोटा सर्किट होता है ये, इसके हिसाब से होता है ना। देखिए बॉडी के हिसाब से होता है, बॉडी के हिसाब से सर्किट है और कितना छोटा सर्किट है। कभी आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लाइट में प्रॉब्लम आ जाए, तो आप ये रिपेयर करने वाले के पास पहले लेके जाएं। अगर आपकी गारंटी ख़त्म हो गई, अगर रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए कभी कभी यहाँ से ही ब्रेक हो जाता है, ये टाका निकल जाता है गर्म होने के बाद। हीट जब ये स्ट्रिप हीट होती है तो देखिए ये हीटिंग पट्टी है, जब ये हीट होती है तो ये ऑटोमेटिक कभी कभी निकल जाता है और आपने देखा वो अंदर से निकला हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। हमने ऊपर का जो सॉकेट है होल्डर इसको पूरा अच्छे, इसको खाली करना है, इसे खाली करना है। अच्छा कैसे करेंगे, चलिए देखिए कैसे खाली होता है। ये भी एक आहट, एक कला है। ये खाली हो गया, दिखाइए कैसे दिखेगा, सुराख हो गया इसमें। देखिए आप देख सकते हैं पूरा सुराख हो चुके हैं इसमें। बहुत बहुत बहुत, अभी हम इसमें प्रोएंगे जो हम तार वायर खाली किए है। ओ वेरी नाइस, देखिए
देखिए काम करने वालों के लिए काम बहुत इजी है, ना काम करने वालों के लिए तो काम पहाड़ बराबर है। थोड़े थोड़े वायर ऊपर रखे हैं शोल्डरिंग के लिए। चेक करो टाक लगाने से पहले राफिद भाई, चेक कर। देखिए स्टार्टिंग में चेक कर लिया था बराबर है, अब इसको शोल्डरिंग। देखिए वाह बहुत बढ़िया। इसका कवर लगाएंगे, अब कवर लगा देंगे। देखिए इसका कवर इतना फिट होता है कि अंदर धूल मट्टी जाने का कोई सवाल नहीं होता है, एकदम फिटिंग होती है। देखिए आपके आंखों में देखते के देखते ये कंप्लीट हो चुकी है, जरा निकाल के बताइए जरा एक मिनट। देखिए आपने देखा इसके टर्मिनल कितनी जल्दी लग चुके हैं और होल्डर भी एक नया फिट हो गया है सब आपके आंखों के सामने। देखिए ये जरा इसको मूव वगैरह करके बताइए, फ्लिप का एक नया पीस। देखिए ये रोटेट होता है और ऊपर नीचे भी होता है, आगे पीछे भी होता है, हर जगह जैसा चाहिए आप कर सकते हैं इसे। और आप कुछ जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं उनको आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? जी कंपनी का अगर पीस है तो रिपेयर कराने में बेहतर है। अगर कंपनी का पीस है तो रिपेयर कराने में ही फ़ायदा है। और लोकल है तो नहीं? लोकल है तो नहीं। और अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो एक बारी आप खोल के देख लें, उनके देख ले हो सकता है कुछ टागा वगैरह लूज हो गया हो, टागा वगैरह लूज हो गया हो। अगर आपसे नहीं होता है तो आखिर में मिस्त्री के पास आना ही पड़ेगा, रिपेयर हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। चलिए आपने ये देखा फ्लिप्स का एलईडी के बारे में, और चलिए मिल जाए कोई भी एलईडी हो। अच्छा कोई भी एलईडी हो रिपेयर होती है। देखिए आपने जाना, भाई साहब ने कहा कोई भी एलईडी रिपेयर होती है। तो चलिए हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और जो सब्सक्राइबर हमारे नहीं बने हैं वो भी बन जाइए, और सब्सक्राइबर लाइफ टाइम के लिए हैं। हम इसी तरह से वीडियो काफ़ी अच्छे अच्छे लेके आते रहते हैं आपके पास, नॉलेज वाले होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।